आज दिनांक 30 जनवरी 2019 को सर्वहित महाकल्याण वेलफेयर फाउंडेशन के तत्वाधान में उदयपुर जिले की जाड़ोल तहसील में हम सभी पीड़ित जमाकर्ता और कार्यकर्ता हम जिस तरीके से परेशान हो रहे हैं उस परेशानी को लेके हम प्रशासन को अवगत कराने के लिए जो ज्ञापन तैयार किया और ये ज्ञापन हमने एजीएम साहब को भी दिया प्लस थानादार महोदय जी को भी दिया है कि हमें इस समस्या से अवगत हम आपको अवगत कराने जा रहे हैं जिसमें हम और हमारे जमाकर्ता जिस तरह से पीड़ित हो रहे हैं उसके पीछे किसकी समस्या है। क्योंकि जो लाइसेंस गवर्नमेंट ने 1956 एक्ट के तहत दिया है उसी लाइसेंस के तहत इन कंपनियों ने काम किया और बाद में ये कंपनियां चुपके से अपना बोरी विस्तार समेट के भाग गई और हम आम निवेशक परेशान हो रहे हैं। तो हम चाहते हैं आपसे ये निवेदन चाहते हैं कि जिस एक्ट के तहत वो कंपनियां रजिस्टर्ड हुई है उन कंपनियों के मालिकों को उनकी ज़मीनों को नीलाम किया जाए, उनके खाते को फ्रीज किया जाए और हमें कैसे भी करके हमें पैसा दिलाया जाए ताकि हमारे गरीब निवेशक और जमाकर्ता जिस तरीके से बेरोज़गार और निहत्थे हो गए हैं तो हमें सुचारू रूप से एक प्रक्रिया को जारी करते हुए हमें राहत दिलाई जाए। ऐसी ही बेहतरीन खबरों के लिए हमारे लेक्सी न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और देखते रहिए बेहतरीन वीडियो।